गर्मियों के दिनों में लोगों को जूस पीना काफ़ी पसंद होता है, और ये जूस अगर पुरानी दुकान का हो जिसके स्वाद के लोग दीवाने हों तो क्या कहने। हम बात कर रहे हैं दिल्ली फ्रूट जूस एंड शेक्स की, जो देहरादून में साल 1980 से कई तरह के फ्रूट जूस और शेक परोस रही है। आपकी दुकान कितनी पुरानी हुए हैं सर? दुकान हमारी को 35-40 साल के लगभग हुए हैं। अच्छा। सन 80 में हमने शुरू करी थी। अच्छा। पहले तो हमारे पास जूस ही होता था, अब आजकल हमने फ्रूट शेक चालू कराया है। अच्छा। नया फ्रूट शेक चालू कराया है, ये 7-8 साल से चालू है। फ्रूट शेक है और दूध से बनता है जूस। किस किस तरह से मिलकर बनाते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें देते हैं? मतलब फ्रूट इसमें सारे किस्म के फ्रूट डालते हैं, दूध डालते हैं, आइसक्रीम डालते हैं, स्पेशलिस्ट ही है, कई चीज़ें इसमें डालते हैं, बटर स्कॉच डालते हैं। अच्छा। लोगों को तो ये बहुत पसंद आता है, सारे शहर में दुकान हमारी ढूंढते फिरते हैं। अच्छा। इतना पसंद आता है। ट्रैफिक जाम है हमारा स्पेशल, ट्रैफिक जाम क्या है उसमें? कुछ भी पिला दो, वो भी फ्रूट शेक से बनाया जाता है। ट्रैफिक जाम कोई ड्रिंक हुई? नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं है, यही शेक ही है। अच्छा। शेक है, जैसे हमारा फ्रूट शेक है ऐसे ही ट्रैफिक जाम है। उसमें क्या है स्पेशल? ट्रैफिक जाम में आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम और फ्रूट मिक्स होते हैं, क्रश होते हैं। उसमें ये नाम क्यों रखा है, मतलब ट्रैफिक जाम? नहीं, उसे वो हमारे बेटे ने नाम रखा, बेटा नई पीढ़ी का है ना। अच्छा, तो ट्रैफिक जाम रखा है नाम, लोगों को मतलब अलग से दिखाने के लिए। हाँ, अलग से दिखाने के लिए। जैसे कि बहुत बढ़िया भीड़ रहती है यहाँ, शाम को लाइन लगी रहती है, शाम को तो बहुत भीड़ रहती है। सवेरे दिन में जो है धूप होती है, दिन में जूस चलता है, रात को शेक चलता है। अच्छा। पहले तो हमारी दिलाराम बाजार में दुकान थी ना, विशाल मेगा मार्ट के सामने, तो वहाँ तो रेट जो है 50 रुपए का था। हाँ। अब आजकल जो है 70 का रेट है, 70 रुपये। ठीक है। गर्मी में सेहत के लिए अच्छा होता है जूस। अंकल के यहाँ मैं आता रहता हूँ जूस लेने, बहुत अच्छा जूस बनाते हैं अंकल। ट्रैफिक जाम जूस बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि शेक के साथ आइसक्रीम भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट और फ्रूट भी होता है, और बहुत टेस्टी लगता है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।